नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने हंगरी स्पिरिट्स चैनल में। तो दोस्तों, छठा वीकेंड जा डाओ बिग बॉस सीजन 2 में कल शुरू हुआ। महेश जी आए और महेश जी ने सब लोगों से बड़ी प्यारी प्यारी और ढेर सारी बातें भी की। उन बातों से पहले क्या कुछ हुआ घर के अंदर, उन बातों के बाद क्या होगा, ये सब चीजें डिस्कस करते हैं और साथ में क्या हुआ एपिसोड के अंदर वो भी बातें करेंगे। मगर उससे पहले आपको करना है एक हमारा काम, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। साथ में दोस्तों बेल आइकन भी दबाना ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल। तो दोस्तों, शुरुआत में जब महेश जी आए तो उनके कपड़े देख के, उनका कॉस्ट्यूम देख के पता चल गया कि आज कोई खास गर्मा गर्मी नहीं होने वाली है एपिसोड में, क्योंकि उन्होंने पहना था येलो कलर। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ से एपिसोड शुरू करते हैं और फिर जाते हैं घर के अंदर। घर के अंदर हम देखते हैं कि केलकर और माधव बैठे हुए हैं झूले पे, फेवरेट प्लेस है जो सब लोगों का, वहीं पे आके सबकी बातें, सबकी दिल की बातें वहां पे आके निकलती हैं। तो वहां पे जो माधव के साथ केलकर बात कर रहे हैं वो नेहा को लेके ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनके मन में वो बात बैठी हुई है कि नेहा ने हमसे क्यों नहीं पूछा स्टार्स वाला डिसीजन लेने से पहले। माधव जो है हा ना करते हैं, मगर क्लियरली उनके साथ बात नहीं करते, ना ही अपने फ्रेंड की बात को रखते हैं जो उनको रखनी चाहिए थी। तो यहाँ पे ये चीजें जब वैशाली तक पहुंचती है तो वैशाली भी क्यूरियस होती है कि आखिर क्या बातें हुई। तो वो पूछती है अभिजीत केलकर को कि क्या बात हो रही थी, कैसे है, क्या बोल रहा था माधव। तो उन्होंने बताया कि मैंने माधव को ये बातें बोली है कि ऐसा करके नेहा ने किया है वो अच्छा नहीं है। तो वैशाली भी हाँ में, वैशाली तो पहले से इस बात के खिलाफ है क्योंकि उसको लगता है कि नेहा अब उसकी कंपिटिटर बनती जा रही है, कि जहां पे वैशाली ने अपनी लीडरशिप में वो ग्रुप चला रही थी वहीं पे नेहा का इंटरफेरेंस इस तरह से हो रहा है कि वैशाली को अपनी कुर्सी हिलती दिखाई दे रही है। तो इसी चक्कर में वैशाली भी इस बात को बहुत तूल देती है। तो दोस्तों, ये चीजें होने शुरू होती है एपिसोड के शुरू में। इसके बीच में एक और एंगल हमें देखने को मिलता है जो रूपाली और वीना का। रूपाली और वीना का क्या हो रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो, मुझे तो ये लगता है उनको ये चीज पता चल गई कि हम जो है मिलके हम बहुत सारे फोटेज ले सकते हैं, तो वही चीजें वो कर रही है। कभी नाराज होती है, कभी बहुत अच्छे से प्यार से मिलती है, वही आई लव यू। ये लिखने का सिलसिला तो इतना बोर हो गया ना कि अब हर कोई, जैसे शिव ने शुरू किया था सॉरी दिल बनाना, सॉरी लिखना, और वो भी अब बहुत ज्यादा हो गया, शिव का भी वो भी बोर करने लग गया है। और अब वैशाली ने शुरू, इसने क्या नाम इसका, रूपाली ने शुरू कर दिया है आई लव यू लिख के प्लेट के अंदर, क्या वो दे रही थी। तो सबको क्या ये बीमारी लग गई है कि इस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना, आई लव यू है तो भैया वैसे दिखाओ ना लव है। तो ये मुझे तो काफी बोरिंग लगता है इन दोनों का ट्रैक, कि ये मतलब लगता है कि ये प्री प्लान ट्रैक है कि हमें ऐसे पहले लड़ाई करनी है, लड़ाई भी इस हद तक करनी कि जैसे कभी बात ही नहीं होगी, और दूसरे सेकंड गले मिलना है, रोना धोना है, और फिर हम लोग फिर से हम लोग फ्रेंड्स हैं। तो ये चीजें थोड़ी बोर कर रही है। तो खैर, यहाँ पे मैं बात कर रही थी एक और जो इन दोनों ने मिलकर किया है, वो किया है किशोरी ताई को साइड लाइन दे दी है। किशोरी ताई को ये एक तरह से कह दिया है कि आप अब अलग से खेलो, हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो ये मुझे बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी इन दो यंग प्लेयर्स की, कि किस तरह से आप जो शुरू से जुड़े हो, जहां पे आपने उनका नाम अपने केवीआरपी ग्रुप में सबसे पहले रखा था, आप उसी बंदे को निकाल रहे हो। यहाँ पे केवीआरपी, तो केवीआरपी में के सबसे पहले और पी सबसे बाद में, पी भी गया, अब के को उन्होंने दरकिनार किया, रह गया कौन, वी और आर। तो ये दोनों वी और आर जो कर रहे हैं ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, खास करके किशोरी ताई के साथ। तो जिस तरह से उन्होंने किशोरी ताई को दरकरार किया, अलग साइड दे दिया, तो वो दिखा कैसे हमें पता चला, क्योंकि माधव ने ये बात कोड की। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किशोरी ताई एक ऐसा कंटेस्टेंट थी जो शुरू में सबके साथ मिलकर खेल रही थी, खेलना चाहती थी, एक हफ्ता खेली भी, पर जब उनको इस ग्रुप में लिया गया तब उनको ये बातें क्लियर की गई कि हाँ ऐसे इससे नहीं बोलना है, उससे नहीं बोलना। पराग ने स्पेशली इस बात को उनके दिमाग में डाला, तो ये चीजें हुई। तो वहां यहाँ पे ये बुरा जरूर लग रहा है कि उनको साइड लाइन मिली है, बट एक चीज मुझे अच्छी भी लग रही है जो मैंने अपने रिव्यूज में बोला था कि वो अपना दिमाग यूज नहीं कर रही, किसी और के दिमाग से खेलती है। तो अब वो शायद उनको अगर समझ आ गई हो तो अब उनको अपना दिमाग से खेलना चाहिए। उनकी फैन फॉलोइंग है, लोग उनको पसंद करते हैं, लोग उनको चाहते हैं, इसीलिए वो अभी तक घर में टिकी भी हुई है, तो उनको उस फैन फॉलोइंग को और ज्यादा एंटरटेन करना चाहिए।
अपने तरीके से। तो मुझे लगता है कि वो अब वो चीजें करेंगी, एंटरटेन करेंगी इस तरीके से, इस चीज से नसीहत लेंगी कि इस घर में कोई किसी का नहीं है, किसी को इतनी इमोशनली हैंडल नहीं करना है, जुड़ना नहीं है कि किसी और से बात ही ना करें। तो ये मुझे किशोरी ताई को लेकर लग रहा है। यहाँ पे किशोरी ताई की बात इसलिए ज्यादा हो गई क्योंकि ये बात किशोरी ताई को लेके ही थी जो वीना और शिव, अभिजीत केलकर और साथ में रूपाली बैठे हुए थे। अब वीना और किशोरी ताई क्योंकि एक ही ग्रुप के मेंबर है, तो उसी ग्रुप के मेंबर होने के नाते, एक अच्छी बॉन्डिंग होने के नाते, किशोरी ताई ने वीना से उसके और शिव के रिलेशनशिप को लेकर पूछ लिया कि कैसा चल रहा है तेरा टाइम पास, या ऐसा कुछ शब्द यूज कर लिया जो फ्रेंड्स में होता है, यूज होता है। मगर दोस्तों वीना उसी बात को लेके चर्चा में लेके आती है। अब चर्चा में लेके किसके सामने आती है? अभिजीत केलकर के सामने। अब अभिजीत केलकर उनको इतना पसंद आ रहा है कि अपने दिल की बातें भी अभिजीत केलकर से हो रही हैं। आपने इससे पहले वैशाली को, रूपाली को भी देखा होगा, वैशाली और केलकर के सामने अपनी बातें कर रही है खड़ी खड़ी जब होटल टास्क खत्म हुआ था। तो अब वीना और ये जो रूपाली है, ये दोनों इस दोनों के पास जा रही है, अभिजीत केलकर और वैशाली के पास। और यही चीज हमें उस सीन में भी दिखाई दी जिसकी बात मैं कर रही हूँ, जहाँ पे वीना अपनी बात रोते रोते बताती है कि मुझे ऐसा बोल दिया किशोरी ताई ने, हाउ कैन शी से दैट। तो ये चीज अभिजीत केलकर को मिल जाती है क्योंकि उनका भड़काना उनका बड़ा फेवरेट काम है, तो वो काम वहां पे वो करते हैं। तो ये चीज मुझे बड़ी अटपटी लगी कि ये जो बातें इनके ग्रुप के अंदर होती थी अब ग्रुप से बाहर हो रही है। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जब भी रूपाली वीना से लड़ाई करती है तो एकदम से उसकी वॉइस रेज हो जाती है। वॉइस रेज करना मतलब बाकी लोगों को भी सुना लगे हम लोगों में पट नहीं रही है, या किसी और से जब लड़ाई होती है तो रूपाली की आवाज ऊंची होती है। तो ये कब से शुरू हो गया? ये इसी हफ्ते से शुरू हुआ है जब गेस्ट आए हैं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड़ चल रहा है इस हफ्ते में जो शुरू हुआ है। अगले हफ्ते में क्या होता है जो देखने को मिलेगा, मुझे लगता है कि अब ग्रुप्स जो है वो शफल हो जाएंगे क्योंकि बिग बॉस तो शफल नहीं कर पाए, बिग बॉस ने टीम वैसी की वैसी रखी है। अब ये लोग खुद ही शफल हो जाएंगे, कुछ इधर चलेंगे कुछ उधर हो जाएंगे और ग्रुप बन जाएंगे। जो अभी दिख तो ऐसा रहा है कि नेहा को वो लोग निकाल देंगे या नेहा खुद ही निकल जाएगी उनके ग्रुप से, अभिजीत केलकर और वैशाली के, और इधर जो है वो किशोरी को ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये मिलके दो ग्रुप बन जाएंगे ऐसा लगता है। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों उसके बाद बात करते हैं कि जो महेश मांजरेकर जब आते हैं सीन में तो वो अपनी शुरुआत करते हैं, सब बातों को लेके आते हैं, अतिथियों को लेके आते हैं। तो अतिथियों की बात करते हैं कि आए थे तो आपको होटल में, ऐसा थोड़ी होता है कि कोई कस्टमर हमें तंग करे तो हम उसको फिर भी झेलते जाएं, तो ऐसा थोड़ी होता है। अब मुझे यहाँ पे ये पूछना है, इवन जो जो लोग इस सीजन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब मेकर्स तो हमें कोई जवाब दे नहीं सकते, ना ही महेश मांजरेकर कोई जवाब दे सकते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर हमें बता सकते हैं कि क्या राइट ट्रैक में मैं बात कर रही हूँ, कि जब ये कॉन्सेप्ट इन्होंने घर में लेके आए, इन्होंने उसका नाम रखा अतिथि देवो भव। तो अब अतिथि देवो भव का मतलब क्या होता है कि अतिथि जो है देव समान होते हैं, और देव जो होते हैं वो परीक्षा भी लेते हैं। हमने अपनी स्टोरीज में सुना है, जो हमारे रिलीजियस स्टोरीज है उसमें काफी ऐसी स्टोरीज है जिसमें कि बताया जाता है कि देवों ने ये परीक्षा ली, उस परीक्षा में पास हुए, उनको ये मिला। मैं तो इस लेवल पे भी सोचती हूँ कि हाँ ऐसा भी है, जबकि मुझे भी वो उनका ट्रीटमेंट कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया था। मगर यहाँ पे अगर इस कॉन्सेप्ट को लेके चले तो ये मुझे समझ में आता है कि उनको हर परीक्षा में पास होना है, तो यही उन लोगों ने लिया। इसीलिए उन्होंने हर टास्क उस तरह से किया कि हमें परीक्षा का फल जो है वो स्टार के रूप में मिलेगा, हमें हर चीज इनकी झेलनी है, जहां तक हम प्रोवाइड कर सके वहां तक। वो उन्होंने बहुत अच्छा टास्क किया, वो गेट आउट वाला ऑप्शन तो उनके दिमाग में भी नहीं था, और वो करना भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर गेट आउट बोलना हो तो कैसे बोल सकते हैं। अतिथि को गेट आउट बोलना हो जिसमें इस कॉन्सेप्ट के साथ आप शुरू करते हो, अतिथि देवो भव टास्क का नाम है, तो कैसे कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो महेश मांजरेकर सब कल बोल रहे थे कि आप गेट आउट बोल देते अतिथियों को, इतना सुनने की क्या जरूरत थी, इतने होटलों में आप लोग जाते हो ऐसा होता है। तो मुझे यहाँ पे ये आता है कि क्या ये होटल वैसा ही था कि जहां पे मतलब एक्चुअली होटल था, ये एक टास्क था। और जो कल जो महेश जी ने बोला वो भी उसी टास्क का हिस्सा मुझे लगता है, क्योंकि जो लोग इस लाइन फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, प्रोडक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, वो डेफिनेटली ये बात जानते हैं कि प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन मैनेजर पीछे से एक होते हैं। चाहे प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्शन मैनेजर को सेट पे डांटे, गाली निकाले, कुछ करे, बट उनको पता है कि उनका पीछे प्री प्लान क्या है। सेम मेकर्स का है कि उनको पता है कि गेस्ट जाएंगे, गेस्ट को ये सब करना है, मगर हमें बाद में
अपने जो घर के अंदर लोग हैं उनको भी ये चीज बताने कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो दोनों पलड़े हमें बैलेंस रख के चलने हैं। कैसे? कि गेस्ट जो घर के अंदर जाएंगे वो घर के लोगों का जीना हराम करेंगे, ये हमें पता है। अगर ऐसा होता कि गेट आउट वाला ऑप्शन होता, ये ऑप्शन होता, वो ऑप्शन होता, तो बिग बॉस बोलते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिग बॉस को बोलने का फुल अधिकार है। बिग बॉस उसी टाइम उस गेस्ट को बोलते भैया आपका टाइम खत्म है, आप घर से बाहर आ जाइए, ये टास्क से अबव हो रहा है। तो अगर उनको उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं तो इसका मतलब वो उस टास्क का हिस्सा है। तो इसीलिए उन्होंने इतना सब तंग किया, जबकि वो बंदे जिन्होंने बिग बॉस ऑलरेडी किया है उनको पता है कि अगर मैं इस तरह से वीना से करवाऊंगी, इस तरह से जो शर्मिष्ठा करवा रही थी, इस तरह से बाकी लोगों को तंग करूंगी तो मेरा इंप्रेशन बाहर ऑडियंस पे क्या जाएगा। इसलिए मैंने अपने रिव्यू में बोला था पहले में कि अब इनको विलन बना के बाकी लोगों को साधु बनाना ही बिग बॉस का काम था, क्योंकि बाकी लोग पराग जो ऑडियंस है पराग की वजह से इन लोगों से नाराज हो चुकी थी। वो उन्होंने कमेंट सेक्शन में जरूर देखा होगा, बहुत सारे चैनल्स में ये वीडियोस चले थे पराग के फेवर में और बहुत सारे लोगों ने ढेरों कमेंट किए थे पराग के फेवर में, जो फेवर का मतलब बाकी सबके अगेंस्ट में। तो सब लोगों को गालियां पड़ी, तो उनको प्लस करना ही बिग बॉस का काम था, जो किया। और घर वालों को भी ये चीज बोलना कि गेस्ट ने बहुत खराब किया, वो उन्होंने महेश मांजरेकर के थ्रू किया। तो मुझे ये चीज इस तरह से समझ में आती है दोस्तों, क्योंकि मुझे लगता है भी ऐसे, क्योंकि बैलेंस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही हो गया कि एपिसोड में गेस्ट जो है विलन भी बन गए और महेश मांजरेकर साहब ने आके बता भी दिया कि आपको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। अब अगर सपोज सीजन थर्ड होता है और थर्ड सीजन वाले जो इन्होंने इसमें बोला है कि आप गेस्ट को गेट आउट कर देते, अगर थर्ड सीजन के जो लोग हैं वो गेट आउट करेंगे, ये टास्क तो फिर से आएगा, तो फिर क्या रिएक्शन होगा महेश मांजरेकर साहब का, ये मैं जरूर देखना चाहूंगी। तो आगे बढ़ते हैं, ये लंबा हो गया थोड़ा सा सेक्शन, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों की जो नेहा को महेश जी ने डांटा, तो वो डांट तो सॉफ्ट ही थी, क्योंकि इतनी डांट बनती भी नहीं थी, क्योंकि टास्क था सब कर रहे थे और नेहा ने भी वो बताया, वहां पे ही हमें पता चला कि कैसे माधव से चाबी खो गई थी और नेहा ने उस चीज को भी कवर किया। तो उसका वो डिसीजन लेना 2 मिनट में बहुत मुश्किल था, जो नेहा ने बताया कि सब लोग अलग अलग जगह पे काम कर रहे थे, मेरे टीम मेंबर्स, अगर मैं जाती तो मेरे 2 मिनट तो वहीं पे खत्म हो जाते, वेरी जेन्युइन रीजन। बट फिर भी उसने डिसीजन लिया, तो मुझे लगता है एज ए मैनेजर वो डिसीजन ले सकती थी और उसने लिया, और उसका लॉजिक भी सही था कि अगर हम सब लोग जेल में होते तो बाकी के स्टार्स कहां से रहते, क्योंकि वो 4 ही स्टार रहते, उसके आगे भी तो स्टार्स बढ़ा लेते ना। खैर, ये नेहा की अपनी थॉट थी, उसने उस तरीके से यूज किया, उस पर उसको काफी कुछ सुनना भी पड़ा। और इवन यहां तक वो अभिजीत केलकर और वैशाली जो बैठे थे उन्होंने बोला कि ये तो अपना ही चलाती है, डोमिनेटिंग है, तो पराग बनती जा रही है, यहां तक उसको बोल दिया। जबकि मुझे लगता है कि पराग बनती जा रही है तो गुड है, कंट्रोल्ड पराग बने तो ये शो जीत सकती है नेहा। तो मुझे तो पराग की स्ट्रेटेजी, उसका काम पसंद आता था, क्योंकि वो ही एक कंटेस्टेंट था जो बिना बदतमीजी किए शो के यहां तक पहुंच गया, और शायद उसके अंदर वो होगा जो एकदम से इतने ज्यादा एग्रेशन में निकला, जो कि गलत था, जिस तरीके से उसने एंड किया अपना सेशन का, वो गलत था। खैर, वो कभी इतना डिसरिस्पेक्टफुल नहीं रहा किसी को लेके। तो खैर, पराग की बात नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। मुझे एक चीज महेश जी की अच्छी लगी, जो उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने बोला, वो मुझे बहुत बढ़िया लगा, वो ये था कि वैशाली को उन्होंने लिया कॉर्नर में, उन्होंने उसको बोला कि तुम सिर्फ बैठे बैठे लेटे लेटे सिर्फ यही चीजें करती रहती हो, तुमने कैप्टन रूम जो है अभिजीत केलकर और वैशाली खास करके चुगली का एक कमरा बना दिया है, वहां पे बैठे तुम सिर्फ चुगली करती रहती हो। और ये बात हमने भी नोटिस की है कि वैशाली एक ऐसा प्लेयर है जो किसी के पास भी नहीं जाती है, जो उसके पास आता है उसको वो जाने भी नहीं देती है। तो ये चीज वैशाली में क्वालिटी है, उसके अंदर ईगो अहंकार जो भी है उसके अंदर है कि मुझे थोड़ी कुछ लेना देना किसी से, जो मेरे पास आएगा उसको मैं हग भी करूंगी, उससे मैं प्यार भी करूंगी, बट जो मेरे पास आएगा वो मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी। तो ये चीज महेश जी ने यहाँ पे चुगली वाला जो पॉइंट उठाया वो बहुत सही था, कि जो माधव को भी कैप्टनशिप का रूम मिला, आप उसके रूम में बैठ के आप उसी की चुगली कर रहे हो, और मतलब क्या कर रहे हो आप, सिर्फ यही चीज है कि इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, और बैठे बैठे जानकारी हासिल करना, खास करके लव बर्ड्स के लिए। अभिजीत बिचकुले का जब सीन चल रहा था तब भी उनको यही था कि लड़की पटी कि नहीं पटी, ये हुआ कि नहीं हुआ, वो हुआ कि नहीं हुआ, फिर ये रूपाली पराग का उनसे डायरेक्ट मिल नहीं सकती, दूसरे लोगों से जानकारी हासिल कर रही है, शिव और वीना तो है ही उसके लिए, तो वो मैंने तो मेरा आइडिया गलत भी हो सकता है, तो ड्रेसेस भी उसी कलर की पहनती है जो शिव और वीना पहनते हैं, जैसे रेड था तो वैशाली रेड थी, येलो था तो वैशाली येलो थी, पता नहीं ये क्या केमिस्ट्री है, मुझे नहीं समझ में आता। तो उसके बाद दोस्तों बात करते हैं जो
नंबर गेम की, तो नंबर गेम में जो महेश जी ने नंबर्स दिए मुझे अच्छा लगा वो एक्चुअली, क्योंकि उनको ये बात बताना उन लोगों को कि जो गलत नंबरिंग करके गए थे, जो टीम बी थी जिन्होंने सिर्फ टास्क को दिमाग में रखा, ह्यूमैनिटी को दिमाग में नहीं रखा और बहुत कम नंबर दिए, और शिव की तारीफ करना भी उन्होंने जो की तारीफ वो भी बहुत अच्छी लगी, शिव तारीफ के काबिल है, उसने जो एंड में स्टेटमेंट दिया वो बहुत अच्छा था उस गेम के बाद, मगर महेश जी ने भी नंबर दिए और कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरह से इन सबको बता दिया कि बाहर क्या इम्प्रेशन किसका क्या जा रहा है, वो नंबरिंग ना सिर्फ महेश जी ने दी होगी बल्कि उन्होंने ये सोच के ही दी होगी कि बाकी लोग क्या जानते हैं, क्योंकि वो लोग भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं महेश जी के साथ साथ, क्रिएटिव टीम भी, उनको भी पता है कि बाहर कौन किसकी क्या तारीफ हो रही है। यहाँ पे वैशाली के लिए बहुत बड़ा संकेत है कि वैशाली को पसंद नहीं किया जा रहा है, जो दो तीन पॉइंट उन्होंने वैशाली के गिनाए वो यही थे कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बाहर पसंद नहीं किया जा रहा है, आपको लेटे लेटे चुगली करते, ये चीजें आपकी बाहर अच्छी नहीं जा रही है। अब बात करते हैं दोस्तों सुरेखा ताई की। सुरेखा ताई एक दिन पहले भी भड़की कि मैंने ये किया मैंने वो किया, तो ये क्या था कि ठीक है रिस्पेक्ट की बात है, तो रिस्पेक्ट जितनी आपको मिलती है किशोरी ताई को तो उतनी मिलती ही नहीं है, उनको तो हमेशा डिसरिस्पेक्ट ही मिलती है, तो आपको किस तरह की रिस्पेक्ट चाहिए कि आपने इतना, आप इतनी देर से घर के अंदर हो, आपको कभी काम करते नहीं देखा, होटल टास्क में आपने काम किया, वेरी गुड वेरी नाइस, तो उसके लिए आपको स्पेशल रिस्पेक्ट या स्पेशल एप्रिसिएशन क्यों चाहिए कि सभी लोग काम कर रहे थे, कितना हिना ने कितने मसाज किए, और कितना ह्यूमिलेट होता है बंदा जब ऐसे फुट मसाज दे रहा है, ये कर रहा है वो, उसका कोई प्रोफेशन थोड़ी है फुट मसाज देना, उसको करना अच्छा लगता है, उसको टास्क ऐसा मिला है, उसको काम ही वही आ रहा है उस टाइम पे, तो वो कर रही है, आपको खाना बनाना आता है आप खाना बना रहे हो, उहिना को कहां किसी ने बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन दे दी कि तुमने बहुत अच्छा किया, इवन गेस्ट ने उसको जरूर दो तीन स्टार हिना ने गेन किए, तो आपने किया तो आपने कौन सा अलग कोई चीज कर दी जिसके लिए आपको अलग से एप्रिसिएशन चाहिए। मुझे तो वो रोना धोना उनका बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ यही लगा रोना सिर्फ इसलिए कि कहीं कहीं उनको अंदाजा हो गया कि इस हफ्ते में बाहर जाने वाले, इसलिए वो जो होता है कि जाने से पहले जो दिल में चीजें होती है वो सब निकलती हैं, वो थी सुरेखा ताई की जो निकल रही थी। अब वो आपातकालीन वाले टास्क को लेके भी महेश जी के सामने रो रही है कि मुझे ऐसा बोला किशोरी ये किशोरी वो, क्या है ये, मुझे तो ये चीज ज्यादा वो लगी नहीं कि इतना सब उनको करना चाहिए। खैर महेश जी ने अच्छे से संभाली उन दोनों को, तरीके से संभाला कि दोनों काफी सीनियर है इस लाइन में भी और एज वाइज भी, तो उनको उन्होंने अच्छे से हैंडल किया, मुद्दा उठाया भी और मुद्दा खत्म भी नहीं किया। तो ये तो हुआ आज के एपिसोड को लेके जो जितनी भी बातें हैं मैंने कर ली, अब जो आने वाले एपिसोड होंगे उनमें क्या होगा, तो ये आने वाले एपिसोड में जो होने वाला है मुझे जो लगता है, एक तो सुरेखा ताई हो जाएंगे आउट, हमने वीडियो डाला है, और दूसरा उसमें आज का जो होगा जो भी अपना बाकी का होगा वीकेंड जंडाओ का संडे का, उसमें भी कॉलर ऑफ द वीक आएगा, मुझे ऐसा लगता है आना चाहिए क्योंकि हम लोग काफी देर से डिमांड कर रहे हैं कॉलर ऑफ द वीक आए, और कमिंग वीक में जो होगा एक तो दो ग्रुप दिखेंगे, कोई भी हो उस ग्रुप में वो दिखेंगे, और बढ़िया बात आज के एपिसोड में जो होगी वो होगा पंचिंग गेम, और ज्यादातर लोग पंच किसको करेंगे, नेहा को, और नेहा को क्या वाकई में घर के लोगों ने विलन मान लिया है, क्या नेहा वाकई में विलन है घर की, ये मुझे आपसे पूछना है, क्योंकि ये वीडियो पंचिंग बैग से पहले आप भी थोड़ी देर में आ जाएगा आपके पास और आपके कमेंट से हमें पता चल जाएगा कि क्या वाकई नेहा है विलन घर की या फिर कोई और है घर का विलन। कमेंट कीजिएगा और बताइएगा ये रिव्यू कैसा लगा, और जुड़े रहे हमारे चैनल हंग्री स्पिरिट्स के साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।